नमस्कार। पिछली बार हमने ऑटोकैड के अंदर टाइटल ब्लॉक कैसे बनाते हैं उसके बारे में सोचा था, लेकिन उसमें भी लिखना बाकी है। वो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी आज सोचेंगे। फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। एक बार हमने ये ड्राइंग बनाया था, एकदम सिंपल लाइन कैसे बनाते हैं और लाइन से ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अलग अलग एंगल पे, पेंटागोन है, ट्रायंगल है, या स्क्वायर है, केड़ा स्क्वायर है, वो सब आप अपने एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट से बना सकते हैं। वो देखा था तो जीपी वो 02 में मैंने सेव करके वो बनाया था। इसके बाद ये वाला बनाया था। उस वक्त हमने लाइन और सर्कल का थोड़ा एडवांस लेवल देखा था कि आप लाइन कैसे बनाते हैं, सर्कल भी कैसे बनाते हैं और टेंजेंट कैसे बनेगा, 3 पॉइंट से कैसे बनेगा या 2 पॉइंट से सर्कल कैसे बनेगा, ये सब भी हमने देखा था। इसके बाद पिछली बार हमने ये देखा था, टाइटल ब्लॉक बनाया था छोटा सा। आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आपको एक आइडिया दे दूँ कि आगे का जो रहने वाला हूँ, उसके पहले आपको ऑटोकैड में थोड़ा एक अलग तरीके की सोचने की आदत डालनी चाहिए। तो कैसे होगा? तो हम जो भी कमांड कर लेते हैं, ये कमांड लाइन और सर्कल दो कमांड सीखे हैं। मैं मानता हूँ आपको शायद स्क्रीन पर दिख रही है। तो लाइन में क्या क्या होता है? जब हम ऑटोकैड को बोलते हैं लाइन ड्रॉ करो तो हमको कुछ पूछता है। तो क्या क्या पूछता है? तो हमें वो स्टार्ट पॉइंट पूछता है, स्टार्ट पॉइंट। इसके बाद उसमें एक एंड पॉइंट भी होता है। इसके सिवा और क्या चीज होती है? तो उसकी एक लेंथ भी कभी कभी पूछता है। अगर आप स्टार्ट पॉइंट के बाद एंड पॉइंट नहीं देते हो तो लेंथ दे दोगे तो भी वो मांगेगा। लेकिन लेंथ के साथ आपको और चीज भी देनी होगी, वो है एंगल। तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है। स्टार्ट पॉइंट में भी आप ये बोल सकते हैं कि आप एक्स याम है, वाई याम है, जेड याम है, ये सब आता रहेगा। तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, लेंथ, एंगल, ये लाइन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। इसी तरह सर्कल में जाएंगे तो सर्कल में कभी स्टार्ट पॉइंट नहीं आएगा, कभी एंड पॉइंट भी नहीं आएगा। लेकिन सर्कल क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है तो हमें पता है। उसको एक सेंटर होता है, सेंटर के सिवाय एक रेडियस होती है, इसके सिवा डायमीटर होता है। रेडियस मतलब हमें मालूम है गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या, डायमीटर मतलब व्यास, सेंटर मतलब केंद्र, ये होता है। इसके सिवा उसमें क्या होगा? तो उसमें आपको एक टेंजेंट आएगा, मतलब स्पर्शक वाली चीज आएगी। एक चीज क्या आएगी? तो उसमें आपका एरिया भी आएगा। लाइन को एरिया नहीं होता है, लेंथ होती है, लेकिन सर्कल को लेंथ नहीं होती है, उसको सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस, और उसको जो डायमीटर उसके दो एंड होते हैं उसके हिसाब से वो ड्रॉ कर सकता है, 3 पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकता है, टेंजेंट से भी ड्रॉ कर सकता है। तो इतनी इतनी चीजें वो इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। और कुछ चीज होती है कॉमन प्रॉपर्टी। तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्या है और कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये पहले समझने के लिए हमें ऑटोकैड में जाना पड़ेगा। तो ऑटोकैड में अगर हम जाते हैं, यहां एक नया ड्राइंग शुरू करते हैं। अभी हम न्यू ड्राइंग, या प्लस की निशानी दबाता हूं, नया ड्राइंग खुल गया। यहां अभी मैं जो भी बनाऊंगा, समझो पहले लाइन बनाता हूं, लाइन स्टार्ट किए और उसके बाद में इसकी लेंथ देता हूं एक्स डायरेक्शन में, वो भी ऑर्थो के साथ, ये ऑन करके 250, और बाद में एस्केप बटन दबा देता हूँ। तो अभी ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये जानना है हमें। तो ऑटोकैड के अंदर हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके हम व्यू में जाएंगे और इसमें कहीं पे प्रॉपर्टीज होगा, ये प्रॉपर्टीज है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी आ जाता है। तो यहां देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है, तो क्या वो ये जो चीज हमने पकड़ी उसको लाइन है, उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है। तो ये कलर, लेयर, लाइन टाइप, लाइन थिकनेस, ये जो कुछ था हमारा लाइन वेट, ये सब जनरल प्रॉपर्टी है, ये जो है कॉमन प्रॉपर्टी। लेकिन हमें जो अभी मैंने बताई आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, उसमें क्या है? स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, स्टार्ट जेड, एंड एक्स, एंड वाई, एंड जेड। स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, बाद में उसका डेल्टा एक्स वाई जेड है, लेंथ है और एंगल है, ये उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। यहां ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? तो कलर है, बाद में लाइन टाइप है,
लाइन वेट है, तो वही प्रॉपर्टी यहां भी आएगी, सेम प्रॉपर्टी। मतलब आप इसे सोच सकते हैं कि सर्कल है वो लाल कलर का भी होता है, लाइन भी लाल कलर की होती है, लेकिन लाइन को सेंटर पॉइंट नहीं होगा और सर्कल को स्टार्ट पॉइंट नहीं होगा, तो कॉमन प्रॉपर्टी दोनों में सेम रहती है। अभी फिर से देखते हैं, यहां लाइन है, मैं यहां एस्केप बटन दबाता हूं, देखना वहां प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होता है। अभी कुछ नहीं है, नो सिलेक्शन आ गया, यहां आप देखेंगे ऊपर नो सिलेक्शन। ये हम कहां से लाए, यहां फिर से देख ले मेनू में ये सब है, उसमें व्यू में मैं प्रॉपर्टी करके आया हूं। ये प्रॉपर्टी में जब दूसरी बार दबाऊंगा प्रॉपर्टी का बटन चला जाएगा, प्रॉपर्टी फिर से दबाऊंगा प्रॉपर्टी मुझे दिखेगी। तो व्यू में हम इतने सारे जो टूल्स हैं वो कभी भी यहां ला सकते हैं देखने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी का बॉक्स आने के बाद हमें जिसकी भी प्रॉपर्टी देखनी है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहां दिखाता है ये, तो जनरल प्रॉपर्टी में आ जाइए, यहां मैं प्लस की निशानी दबाता हूं तो यहां ये दिख रहा है आपको, यहां कलर ये क्लिक करूंगा यहां मैं तो बोलेगा रेड, तो यहां से मैं उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूं। उसकी लाइन वेट जो यहां पे है उसको मैं यहां से चेंज करके लाइन की विड्थ बढ़ा सकता हूं। अभी दिख नहीं रही है तो लाइन की विड्थ यहां से मैं बढ़ा भी सकता हूं, ठीक है। यहां लाइन टाइप भी यहां से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां एक मर्यादा है कि आपको जितनी लाइन आपके टेबल पर रखी उतनी दिखाई देगी। नई लाइन लाने के लिए आपको कहां जाना होगा, फिर से वहां जाना होगा। तो ये प्रॉपर्टी बॉक्स से भी आप कर सकते हैं, यहाँ जनरल प्रॉपर्टी है और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है ये यहाँ पे ऐसे आप चेंज करते हैं। समझो आप ये यहाँ स्टार टेक्स्ट लिखा है यहाँ 84, इसके बदले आप समझो यहाँ लिख दे कि मुझे 84 पॉइंट ये सब है, इसके बदले यहाँ मुझे जीरो चाहिए और यहाँ भी जीरो चाहिए, तो अपने आप वो जीरो जीरो पे चली गई। तो आपको अगर कोई लाइन का डायमेंशन मालूम है तो आप यहाँ एक्स वाई डाल के भी चेंज कर सकते हैं। आपको एंड पॉइंट मालूम है कितना है, समझो 250 है ये मालूम है, और इसका वाई कहाँ है तो वाई भी मालूम है आपको कि वो जीरो पे है। तो आप यहाँ देखोगे ये जीरो जीरो से 250 तक लाइन अपने आप बन गई और उसका कैलकुलेशन और एंगल सब यहाँ आ गया। तो आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी ये प्रॉपर्टी बॉक्सेस से चेंज कर सकते हैं। अभी आप समझो एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ होम करके यहाँ सर्कल बनाते हैं, एक छोटा सा सर्कल, इसका डायमीटर हम अभी 100 रखते हैं, मतलब 50 का त्रिज्या। अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी में देखना क्या चेंज होता है। एक को सिलेक्ट किया आ गया सर्कल है, उसकी सेंटर कहाँ है, एक्स वाई जेड। आप यहाँ बैठ के उसका यहाँ भी सीधा सेंटर चेंज कर सकते हैं, आपको उसका सेंटर मालूम है कि समझो 100 पे रखना है तो 100 पे वो चला गया, वाई जीरो पे रखना है जीरो पे, तो मतलब ये सीधा अपने आप मूव होता जाएगा। आप इसकी प्रॉपर्टी सीधी यहां से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। इसका सर्कमफरेंस कितना है वो भी यहां आ गया, लेकिन समझो आपको मालूम है कि सर्कमफरेंस मुझे चेंज करना है, वो सर्कमफरेंस एग्जैक्ट मालूम है, या आपको ऐसे निश्चित करना है कि मुझे एरिया 10,000 यूनिट होगा तो कितनी वो होगी, तो आप सीधे एरिया डालोगे अपने आप वो सर्कल बड़ा हो जाएगा, अपने आप वो रेडियस भी बताएगा कि आपको अगर यहाँ 10,000 का एरिया चाहिए तो उसकी रेडियस 56.419 आ जाएगी। तो ये इंडिविजुअल ज्योमेट्री आप यहाँ चेंज करना चाहें तो ये प्रॉपर्टी से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, व्यू में से, यहाँ से। यहाँ समझो सर्कल का भी आपको कलर चेंज करना है तो कहाँ जाना होगा, यहाँ, यहाँ भी कलर कहाँ ये है क्लिक, और यहाँ ग्रीन कर दीजिए, उसकी लाइन वेट चेंज कर रहा है, यहां से वो भी चेंज कर दीजिए। तो इस हिसाब से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ध्यान में आनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं तो जनरल प्रॉपर्टी सब में कॉमन होती है। समझो आप ये पूरे के पूरे दोनों चीज को एक साथ सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, मैं कहीं लाइन को सिलेक्ट करता हूं तो यहां लाइन लिखते हैं, ठीक है, लाइन लिखा है यहां, दिख रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक इसी तरह मैं समझो पहले सर्कल को सिलेक्ट करता हूं तो यहां दिखा रहा है सर्कल, लेकिन अगर मैं दोनों को साथ में सिलेक्ट करता हूं तो यहां दिख लें ऑल टू, और यहां आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी दिख नहीं रही है, सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी दिख रही है। और देख लें कलर्स में लिखा है वेरिस, मतलब दोनों का अलग अलग कलर है। आप यहां जाके दोनों का कलर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थिकनेस भी अगर आप चेंज करना चाहें दोनों की,
तो चेंज कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी, ये दो चीज अगर समझ में आई है तो अभी हम नेक्स्ट चीज समझना चाहते हैं, वो है आर्क। तीसरा कमांड है हमारा ARC, आर्क। अभी आर्क में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ये वो सर्कल नहीं है, उसको कंटिन्यूअस नहीं, इसकी वजह से उसको भी स्टार्ट पॉइंट रहेगा, इसके बाद उसको भी एंड पॉइंट रहेगा, लेकिन इसको LENGTH रहेगी, रहेंगी एंगल रहेगा, एंगल रहेगा, लेकिन उसका एंगल है वो घूमने वाला, इसलिए इंक्लूडेड एंगल, सेंटर के साथ दोनों का कैसे एंगल बन रहा है तो इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल रहेगा। और एक चीज ये भी है कि जो भी आर्क बनती है उसको भी रेडियस होती है या डायमीटर भी होता है, ठीक है। और क्या होगा, तो एक चीज है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसको डायरेक्शन रहेगी, DIRECTION क्या होती है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, CCW, ये डायरेक्शन रहती है। तो इस हिसाब से जब तब लाइन बनाते थे तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन था, लाइन का क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया या एंगल दे दिया, लेंथ दे दिया, लाइन उन गई, सर्कल में क्लिक किया, रेडियस डाला, हमारा सेंटर सर्कल बन गया। लेकिन आर्क बनानी है तो हमारे पास सभी के सभी पैरामीटर मालूम होने चाहिए, उसकी भी कॉमन प्रॉपर्टी तो यही रहेगी, उसको भी कलर होगा, उसको भी लाइन टेप होगी, उसको भी लाइन वेट होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए अभी हमें ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना होता है। तो अभी ये देखिए, मैं उसको ये प्रॉपर्टी बंद करता हूँ और यहाँ होम पे चला जाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, सिलेक्ट करके कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाता हूँ, मिट गया। और अभी हम शुरू करते हैं आर्क। आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको आर्क बोलते हैं, जिसको गुजराती में क्या बोलते हैं, चाप, चाप मारो। आप BED में भी करते थे, वो आपका परिकर लेके या सर्कल वाला लेके, आप इसको जो कुछ भी बोलते हैं, अपने अलग अलग प्रकार के शब्द यूज करते हैं, सही शब्द क्या है वो जानने की जरूरत नहीं, हमें इस्तेमाल करना आता है वो काफी है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी क्लास वो नहीं ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा। लेकिन वो आप जो चाप लगाते थे तो इस तरह से एक जगह पे आपने रख दिया और बाद में हमने धीरे से घुमा दिया, तो एक नंबर सेंटर में आपने आपकी पिन रखी, पेंसिल है एक नंबर पे रखी और आपने धीरे से घुमा के आर्क बना दिया। तो अगर आप कहीं भी आर्क बनाना चाहें तो इसमें कितनी मेथड्स हैं, तो मैंने जितनी आपको प्रॉपर्टी बताई है वो प्रॉपर्टी में से किसी भी तीन प्रॉपर्टी को लेकर आप आर्क बना सकते हैं। तो आप देखिए यहां स्टार्ट सेंटर एंड, कभी आपको ऑटोकैड में जो प्रॉब्लम आएगा उसमें कभी आपको स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, उसका सेंटर मालूम है और एंड मालूम है, उस वक्त आपको ये ऑप्शन यूज करना है। और कभी कभी आपको स्टार्ट और सेंटर मालूम है लेकिन एंड मालूम नहीं है, लेकिन बीच का एंगल मालूम है, तब आपको ये यूज करना है, दूसरा वाला। इसके बाद स्टार्ट सेंटर मालूम है लेकिन आपको एंड भी मालूम नहीं है, एंगल भी मालूम नहीं है, लेकिन लेंथ मालूम है कि इतना लेंथ तक वो जाना है, उसका सरकमफ्रेंस, आर्क का सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं हम, लेंथ ही बोलना चाहिए, जैसे सरकमफ्रेंस उनको होता है क्लोज बाउंड्री को, तो ये ओपन बाउंड्री रहेगी, तो उसको लेंथ मालूम है हमें, तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक के बाद सभी का अभी अभ्यास करेंगे। हमारे पास 9 प्रकार से आर्क बनाने की विधि है, तो 9 की 9 आर्क में यहां अलग अलग तरीके से बनाऊंगा। अभी समझो मैं पहला वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूं, स्टार्ट सेंटर एंड, ये मैंने क्लिक किया। अभी पूछ रहा है स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट नीचे, तो मैं स्टार्ट पॉइंट दे रहा हूं, क्या दूंगा, तो समझो कि मुझे मालूम है कि 0, 100, 0 यहां से स्टार्ट करना है, यहां शुरू हो गई, और उसका सेंटर किधर है, तो सेंटर भी मुझे मालूम है कि 100, 100 यहां पे है, तो वो सेंटर पे भी आ गए।
100 कॉमा 100 पे। अभी पूछना है कि आप एंड पॉइंट दो, तो एंड पॉइंट में कैसे दूंगा, तो जहां भी देना है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। देखना आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये जो कुछ भी बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा, तो मैं यहां जहां भी क्लिक कर दूंगा वो बन जाएगा। ठीक है, अभी मुझे बीच में आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। व्यू वर्क है, ये UCS आइकॉन यहाँ है, उसको मैं दबा के भी बंद कर सकता हूँ, वो XY वाला चला जाएगा। अगर आपको XY फिर से देखना है तो आप दबाइए, ये आ जाएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। व्यू क्यूब मुझे नहीं चाहिए ऊपर वाला, तो ये भी बंद कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला ठीक है, अभी मैं रखता हूँ। तो इस हिसाब से हम आर्क बनाते हैं। आर्क इसमें सबसे पहले मैं कह रहा 3 पॉइंट, आपको 3 पॉइंट मालूम है। मैं एक काम करता हूं, यहां एक सिंपल लाइन से वो बना देता हूं। यहां क्लिक किया मैंने, बाद में इधर जाके 250, ऊपर का 250, इधर का 250 और क्लोज, ये बनाया है। अभी मुझे आर्क लगानी है। मुझे आप पूछ रहे थे कोई कि एंड पॉइंट और मिड पॉइंट किसे इनेबल करते हैं, तो ये सबसे पहले वो भी देख लेना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो आपका ये बार है, इसमें यहाँ स्नैप कर्सर या ओ स्नैप लिखा है। आपके कीबोर्ड में अगर आप F3 दबाएंगे तो आपका एंड पॉइंट चालू हो जाता है, लेकिन अगर कभी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप स्नैपिंग ये दबाना है। ये दबाने के बाद आपको मिलेगा तो एंड पॉइंट मिड पॉइंट सेंटर, ये है, इतने सारे हैं, उसमें जो भी चाहिए उसको सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। और ये भी देखना है कि यहाँ ये वाला जो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन वाला है, ये भी क्लिक किया हुआ हो। अगर ये नहीं है तो अभी आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये क्लिक कीजिए और आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है एंड मिड सेंटर उसको क्लिक कीजिए और बाद में ओके कर दीजिए, तो आपका वो अभी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होने लगेगा। अभी मेरे को आर्क ड्रॉ करनी है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन में 3 पॉइंट वाला शुरू करा, 3 पॉइंट, तो मुझे मालूम ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट में से पास होने वाली आर्क उसने अपने आप बना दी, सेंटर उसने खुद ने ढूंढ लिया है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। दिस इज द वन मेथड। अभी दूसरी मेथड है, उसमें करना था स्टार्ट सेंटर और एंड, मुझे मालूम है स्टार्ट सेंटर और एंड, तो स्टार्ट कौन सा है, ये स्टार्ट है, ये वाला सेंटर और ये वाला एंड। तो आप देखिए स्टार्ट सेंटर एंड में ऐसे बना दी, ये स्टार्ट पॉइंट था, ये सेंटर पॉइंट था, यहां पे स्टार्ट पॉइंट पे पेंसिल रखी, दूसरा वाला जो सेंटर पॉइंट दिया वहां उसने अपना पिन रख दिया, और एंड पॉइंट तक उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी परिकर को घुमा दी। ठीक है, तो ये जैसे सोचता है उस तरह से हमें भी सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। तीसरा है स्टार्ट सेंटर एंगल। अभी स्टार्ट का मतलब है हमें सबसे पहले पेंसिल को रखना है, सेंटर मतलब बाद में हमें अपने परिकर की पिन को रखना है, स्टार्ट सेंटर। तो स्टार्ट कहाँ हो रहा है, समझो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, अभी सेंटर किधर है, तो समझो मेरा सेंटर इधर है, यहाँ मिड में। अभी मुझे एंगल डालना है, एंगल कितना है, अगर मुझे मालूम है कि 45 है या 90 है तो 90 एंगल डालता हूँ, एंटर दबाता हूँ, 90 बन गया। ठीक है, या कुछ गड़बड़ी हो गई है मेरी, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, स्टार्ट सेंटर और एंगल। ठीक है, इसी तरह स्टार्ट सेंटर और लेंथ। अब स्टार्ट सेंटर लेंथ, आपने स्टार्ट भी किया, आपने सेंटर भी दिया और लेंथ दिया है, लेंथ समझो आपने 100 का दिया है, तो 100 लेंथ का वो अपने आप इसकी लेंथ मेजर करोगे तो 100 की होगी। कैसे पता चलेगा, लिस्ट करके, लिस्ट करके आप क्लिक करोगे तो यहां पता चलेगा, नहीं आ रही ये लेंथ 100 की नहीं बनाया उसने, कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, मुझे वर्जन में देखना पड़ेगा, लेकिन इस हिसाब से बनना चाहिए। तो आर्क में जब भी स्टार्ट है वहां में पेंसिल रखनी है, सेंटर है वहां में पिन रखनी है। कभी पहला और स्टार्ट और एंड लिखा है मतलब दोनों जगह पेंसिल है, हमें टच करवा देनी है। अब इसके एग्जांपल भी यहाँ ही दिखेंगे आपको, यह समझो 3 पॉइंट है तो कैसे होगा, तो आप देखिए एग्जांपल दिख रहा है 1, 2 एंड 3, ये तीन जगह पे आप रखेंगे
तो आपकी एसी आर्क बनेगी। अभी यहां जाएंगे स्टार्ट सेंटर और एंड, तो वन नंबर पे आप पहले क्लिक करेंगे, दो नंबर पे बाद में क्लिक करेंगे और तीन नंबर बाद में क्लिक करेंगे, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्ट सेंटर एंड वाला आर्क बन जाएगा। इसके बाद है स्टार्ट सेंटर एंगल, इसमें भी दे रहे हैं। वन पे आपने क्लिक किया, वहां आपने पेंसिल का एंड रखा, टू के ऊपर आपने पिन रखा और बाद में थ्री तक आप ले गए एंगल, तो आपका वो बन गया आर्क एंगल वाला। 30 डिग्री दिया है इसलिए वहां नीचे 30 डिग्री का बना है, ठीक है। एंगल आप कैसे क्लिक करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है। इसके बाद है सेंटर स्टार सेंटर लेंथ, इसमें भी लेंथ आपने लिखा है 0.382, तो उसके हिसाब से वो लेंथ ले लेगा। लेकिन ये लेंथ है वो किसकी लेंथ है, अभी मैं जो सोच रहा था वो मैंने आपको बताया कि 102 आई, वो 102 सही ही थी। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये वाली आर्क बनाई थी हमने, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे लिस्ट किया था तो इसमें इसकी आर्क की लेंथ 102 आ रही थी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होना है कि आपको डिस्टेंस मेजर करना है डिस्ट करके ये एंड से ये एंड का। तो यहां देखेंगे ये डिस्टेंस 100 आ रहा है, तो ये मतलब लेंथ है वो जीवा की लेंथ आ रही है, आर्क की लेंथ नहीं आ रही है। जीवा मतलब समझते हैं ना, चाप और जीवा में फर्क है। ये अगर मैं यहां ये ड्रॉ कर रहा हूं तो जो लाइन है ये सीधी लाइन उसको जीवा बोलते हैं और ये आर्क है उसको चाप बोलते हैं। तो ये लेंथ जब मैं दूंगा यहां ये लेंथ, तो ये लेंथ अपनी आर्क की नहीं रहेगी, जीवा की रहेगी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CHORD, कॉर्ड, कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड की लेंथ रहेगी। ये सब के सब इसी तरह से चलते हैं। और इसमें एक दूसरी सुविधा भी है, स्टार्ट के साथ सेंटर वाले तीन कॉम्बिनेशन, स्टार्ट के साथ एंड वाले तीन कॉम्बिनेशन, और सेंटर पहले रहे मतलब पहले पिन रखनी है बाद में स्टार्ट और एंड। और ज्यादातर हमें इसकी आदत होती है, नीचे वाला जो तीन है ना हमें इसकी ये आदत होती है, पहले हम सेंटर पे रखते हैं, देखिए ये करते हैं क्लिक, तो सबसे पहले हम डालते हैं यहां, यहां हमने रख दिया अपना पिन, बाद में यहां रख रहे हैं हम अपना पेंसिल का पहला पॉइंट, और बाद में इसे घुमाते 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 आएंगे, ये मैं बंद भी कर देता हूं, देखिए घुमाते घुमाते आते हैं यहां से और यहां पहुंच गए, क्लिक कर दिया तो अपना आर्क बन गया। तो हमें जो ज्यादातर आदत होती है ये वाले की होती है, ये जो एट्थ ऑप्शन है, आठवां ऑप्शन, कुल 10 ऑप्शन है, इसमें से आठवां ऑप्शन स्टार्ट और एंड के पहले हमें सेंटर रखना है, सेंटर पे अभी पिन रखनी है पहले। तो फिर से एक बार समझो, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। अभी समझिए इसका मिड पॉइंट यहां है और मेरी मुझे एक चाप यहां से ऐसे लगानी है। पिछली बार हमने कैसे किया था, आर्क बनाई थी तो ऐसे यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया और यहां क्लिक किया तो हो गया था। जस्ट अ मिनट, आर्क 3 पॉइंट, एक क्लिक, दूसरा क्लिक और तीसरा क्लिक। तो हमने तो तीन पॉइंट पे क्लिक किया और तीनों में से पास होने वाली आर्क बन गई थी। लेकिन अगर ये आर्क हमें इसे बनाने की आदत नहीं है तो इसमें हमें सेंटर में तो कहाँ रखना है वो सोचा ही नहीं था। तो उस वक्त अगर यही चीज हमें सेंटर से बनाना चाहे तो हमें मालूम है सेंटर का ये डायगोनल मतलब कर्ण के ऊपर है मिड पॉइंट में, तो ऐसे बनाते हैं। यह कहाँ से बनाएंगे, सेंटर स्टार्ट और एंड, तो अभी सेंटर कहाँ, इसके मिड में है, तो यहाँ सेंटर दबा दिया हमने। स्टार्ट इधर है, यहाँ पे स्टार्ट है और एंड किधर है, इसे घुमाते 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 यहां से यहां आ गया क्लिक। तो हमें जो सोचने की आदत है इस हिसाब से भी आर्क यहां बन सकती है। तो आर्क के इतने ऑप्शन, इसमें मैंने जैसे बताया आपके जो वो है स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट लेंथ, लेकिन लेंथ ऑफ कॉर्ड भी आएगी और आर्क की भी आएगी, ठीक है, दोनों की, कॉर्ड की और आर्क की दोनों की लेंथ
इसकी प्रॉपर्टी है इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं। सेंटर के साथ ये जो बनता है, समझो मैं अभी ये काट देता हूं, पिछली बार काटना सिखाया था कैसे काटा था आपको मालूम है, ट्रिम करके इसको क्लिक कर दो कट जाता। तो यहां से मैं इसको सबको मिटा देता हूं। आपको एंगल समझाने के लिए ये कर रहा हूं। इसका एंगल कैसे मेजर करेंगे, तो दोनों एंड के साथ उसके सेंटर कितना एंगल बनाता है उसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। तो अभी हम लाइन बनाएंगे, लाइन इसके एंड से इसके सेंटर तक और यहां से यहां तक, तो ये जो एंगल बनता है उसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। तो आर्क में जब भी यहां एंगल आता है, स्टार्ट सेंटर स्टार्ट और एंगल, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि एंगल उस वक्त हमें देना पड़ेगा। एक उसका भी प्रयास कर लेते हैं, स्टार्ट सेंटर, ये स्टार्ट पॉइंट है। इसके बाद ये जो है ये यहां करके स्टार्ट पॉइंट यहां देता हूं और बाद में एंगल मुझे देना है तो 90 डिग्री आया, ठीक है, तो ये बन गया। तो स्टार्ट यहां दिया था इस तरफ, यहां पर सेंटर यहां दिया था, स्टार्ट पॉइंट यहां दिया था और एंगल मैंने 90 दिया, तो 90 का वाला इंक्लूडेड एंगल वाला एक अपना आर्क बन गया। चेक करना है ये 90 है कि नहीं, अगर ये हमें इंटरेस्ट है कि ये हमने देखा था 90 है कि नहीं इसका एंगल, तो इसके लिए भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन यहां क्लिक करेंगे एंड आ जाएगा, यहां क्लिक करेंगे सेंटर भी पकड़ लेगा, देखो सेंटर लिखा हुआ ही है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, और यहां फिर से एंड आ जाएगा, देखो एंड आ गया, और लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद मुझे एस्केप दबाना है या दूसरी। तो ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल है ही, लेकिन फिर भी अगर ये एंगल कितना है वो देखना आप चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बाद में सिखाऊंगा एंगल मेजर में। लेकिन एक ये चीज भी है, लिस्ट करते हैं हम ये दोनों को, ये और ये, तो यहां दोनों को एंगल आएगा, ठीक है। तो यहां दिख रहा है ये 179 का आया है और ये 89 का आया है, मतलब उस दोनों का डिफरेंस है 90 का है, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपको दिख रहा है वैसे 0 और 90 का, लेकिन 0 और 90 नहीं है, फिर एग्जैक्टली मेजर करेगा, एक डिग्री का भी फर्क रह गया तो वो पकड़ लेगा। अभी यहां देखते हैं लिस्ट करके, ये और ये दोनों का डिफरेंस ही देखना है, इसका 225 है और इसका 315 है, देखिए दोनों का डिफरेंस है 90। तो दोनों का दो लाइन है उसके बीच का एंगल मेजर करना है, तो हम एक ये एकदम देसी मेथड से दोनों लाइन सिलेक्ट करनी, दोनों का एंगल देखना है, दोनों का डिफरेंस अपने दिमाग से निकाल लेने का तो भी निकल जाता है। दूसरी मेथड है वो थोड़ी और कुछ सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक ये चीज होती है आर्क बनाने में। तो आर्क बनाने की ये सब मेथड है, सब मेथड एकदम इजी है, एक आपको आ गई तो दूसरी आ ही जाती है, जैसे आपको साइकिल आ जाती है बाद में आप ल्यूना भी चला सकते हैं, ल्यूना के बाद आप स्कूटी भी चला लेते हैं, ठीक। इस तरह से ये जो भी पैरामीटर्स आपके दिमाग में हैं आपके ड्राइंग के हिसाब से बना लेंगे, लेकिन इसमें कंटिन्यू वाला ऑप्शन है ना वो समझने जैसा है, ये थोड़ा देख लेते हैं। समझो हम आर्क बनाते हैं और यहाँ से क्लिक क्लिक और इसे क्लिक क्लिक करते हैं, तो अभी कर्सर फ्री हो गया है, लेकिन अब फिर से दबा देते हैं एक बार एंटर तो नई आर्क बनती है, यहां नई आर्क बनती है, लेकिन ये जो आर्क बन रही है अलग अलग बन रही है, मुझे जो थी वहीं पे शुरू रखनी है तो क्या करूंगा। तो उस वक्त आपको आर्क आपने शुरू की है, क्लिक क्लिक क्लिक, बाद में आर्क में जाके कंटिन्यू कीजिए तो अपने आप कंटिन्यू आ गया, ठीक है। वो अपने आप उसके हिसाब से एकदम डिजाइन बनाएगा। अभी फिर से आप कंटिन्यू दबा दीजिए, दे रही है। आप फिर से कंटिन्यू दबा दीजिए, तो आपको जो कुछ भी बनाना है इस हिसाब से आर्क को कंटिन्यू भी कर सकते हैं,
पुरानी थी उसके साथ वो टेंजेंट बना के उसी के साथ वो अपने आप रेडियस बनाया तो आपके एकदम स्मूथ आकार लगेगा। तो एक ये प्रोविजन भी ऑटोकैड हमें करके देता है कि आप कोई भी चीज को आर्क को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आर्क का सेशन था। आर्क का समरी करके फिर से मैं कहता हूं कि आर्क में जो बेसिक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर, एंगल, डायरेक्शन, और तीनों पॉइंट को एक साथ में देके हम आर्क बना सकते हैं। और एक कंटिन्यू करके पिछली वाली आर्क को भी हम उसके टेंजेंट के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 10 मेथड है और कंटिन्यू वाली 11वीं चीज़ है। या जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा प्रॉब्लम असाइनमेंट में, इससे आपको इसकी और क्लैरिटी आती जाएगी। तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है आर्क वाला, वो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ।